हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एस एम आई आई पे इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको स्टॉक रिकमेंडेशन भी देते रहते हैं आज आपने देखा है स्टॉक मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव रैली हुई है पहले कुछ दिन की कंसोलिडेशन चल रही थी आज मार्केट में फिर आप ट्रेंड जो है वो शो किया है ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी इसके जो इकोनॉमिक रिकवरी के बहुत ही अच्छे चांसेस निकल कर आ रही हैं इसलिए मार्केट आजकल पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है लेकिन ओवरऑल आपने देखा है मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है अप्स एंड डाउन आते रहते हैं इसलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रह के ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी आज हम बात करेंगे रैलीस इंडिया के स्टॉक के बारे में इसका डिटेल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे आई सी आई सी आई डायरेक्ट की तरफ से इस पर कॉल आई हुई है विद द टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी इस न्यूज़ को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स एक एक करके जानेंगे सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो आइए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी लेटेस्ट न्यूज़ को स्टडी कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ऐसे डायरेक्ट पे डायरेक्ट की तरफ से जो लैरलीस इंडिया है इस पर बाइक आई हुई है विद टारगेट प्राइस ऑफ रूपीज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर तो नेक्स्ट वन ईयर के लिए इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है और इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं अब हम सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जानेंगे दिस कंपनी वाज स्टार्टेड इन द जियर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी एट इट इज़ ए मिड कैप कंपनी विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज सिक्सटी वन हंड्रेड एटी वन क्रोर्स एंड इट इज ऑपरेटिंग इन द पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स सेक्टर ये जो कंपनी है पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स को बनाने का काम करती है आइए सबसे पहले इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट चेक कर लेते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी के जो टोटल इनकम है दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड एज फोर हंड्रेड सेवेंटी नाइन करोड एंड इट हैज़ बिन रड्यूस बाई सेवनटीन पॉइंट टेन परसेंट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ फाइव हंड्रेड सेवंटी एट करोड बट दिस हैज़ बिन इंक्रीज बाई थर्टी फोर पॉइंट सेवेंटी वन परसेंट फ्रॉम द लास्ट जीयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव करोड्स तो आप देख सकते हो इसके मिक्स नंबर्स आ रहे हैं जियर ऑन जीअर बेसिस पे इस कंपनी की जो क्वार्टर इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी की जो इनकम है वो रड्यूज़ हो रही है अब हम इसका इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं कि इसमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ब्रोकरेज का इस के बिज़नेस के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स बेटर मानसून अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू हैव सपोर्टेड सीड्स ग्रोथ इन द क्वार्टर तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है एग्रो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसका कंपनी का डायरेक्ट लिंक है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ तो जैसे इस बार मानसून भी बेटर रहने के आसार हैं इसलिए महाराष्ट्र और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो सीड्स की डिमांड है वो भी देख बढ़ बढ़ रही है इट एक्सपेक्ट्स फिफ्टीन परसेंट ग्रोथ फॉर द सीड बिजनेस तो इस कंपनी का जो सीड बिजनेस है दैट इज़ गोइंग टू ग्रो बाई द फिफ्टीन परसेंट अपार्ट फ्रॉम दिस सम इम्प्रूवमेंट इन द इनवेंट्री सिचुएशन फॉर द की मॉलीक्यूल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट शुड हैव सपोर्टेड द इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ तो इस कंपनी की इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी एक्सपैक्ट टी की जा रही है इट एक्सपैक्ट्स टॉपलाइन टू इंक्रीज ट्वेल्व पॉइंट नाइन परसेंट जीरो जीरो टू रूपीज सैवन हंड्रेड एंड फोर्टी एट करोड़ द अबिटा इज एक्सपैक्टेड टू ग्रो बाई एट पॉइंट फाइव परसेंट एंड 7% परसेंट जीरो ऑन जीरो टू वन थर्टी नाइन परसेंट करोड़ एंड 98 एट करोड़ रेस्पेक्टिवली तो इस कंपनी का जो पैट है वो भी इंक्रीज करने जा रहा है और इसके पिटा में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है एक्सपेक्ट की जा रही है लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा इस कंपनी को मोनिटर कहते रहना होगा ग्रोथ इन द इंटरनेशनल बिजनेस इन सिचुएशन इन द मेट्रीब्यूजन एंड ऑफ टेक ऑफ द पी के के अंडर सी आर ए एम एस पोर्टफोलियो तो आपको शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के इन्वेंट्री पे जो है वो थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा लेकिन लॉन्ग टर्म की इसकी ग्रोथ हिस्ट्री पॉजिटिव निकल कर आ रही है अब सबसे पहले इसकी शॉर्ट टर्म की ग्रोथ देख लेते हैं मार्च 2020 में इसका जो रेवेन्यू था दैट वाज 346 करोड एंड मार्च 21 में ये बढ़कर फोर हंड्रेड करोड़ हो गया है जून क्वार्टर में इसकी ग्रोथ बढ़ गई थी सिक्स करोड़ हो गया था सितंबर में फिर बढ़ गई थी सेवन करोड़ हो गया था लेकिन उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है अब हम इसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री देखेंगे तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री बहुत ही लीनियर निकल कर आ रही है इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली जीरो ऑन जीरो बेसिस पे बढ़ता जा रहा है आप देख सकते हो 2017 से लेकर 2021 तक इसने जीरो ऑन जीरो बेसिस पे रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रही है आप देख सकते हो सेवनटीन में इसका जो रेवेन्यू था दैट वाज सिक्सटी हंड्रेड सिक्सटी थ्री करोड़ और ट्वेंटी वन में ये बढ़ के ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन करोड़ हो गया है यहाँ पे बहुत ही लीनियर ग्रोथ देखने को मिल रही है जीरो ऑन जीरो बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है इसका मतलब है इस कंपनी का बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है और इस कंपनी की इनकम भी इंक्रीज हो रही है अब हम इस कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग नियरली फिफ्टी पॉइंट जीरो ऑफ होल्डिंग एफ आई आईज आर होल्डिंग सेवन पॉइंट फाइव एट परसेंट ऑफ होल्डिंग डी आई आईज आर होल्डिंग सिक्सटीन पॉइंट थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ होल्डिंग एंड पब्लिक इज होल्डिंग ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ होल्डिंग तो आप देख सकते हो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही मिक्स निकल कर आ रहा है अब हम इसका ट्रेंड चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्च टू टू मार्च टू तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कोई चेंज नहीं देखी जा रही है यदि एफ आई का डाटा देखे तो मार्च 21 में एफ आई बार होल्डिंग 4.98 परसेंट स्टेक एंड मार्च 21 में ये बढ़ के सेवन परसेंट हो गया है जहां पे पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिल रहा है यदि डी आई आईज़ का डाटा देखें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है यदि हम इसका पब्लिक का डाटा देखें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो नियरली फ्लैट निकल कर आ रहा है स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो इसकी यदि हम प्राइस की परफॉर्मेंस चेक करें ऑन द वेरियस पीरियड्स वन वीक से लेके कर थ्री जीयर तक हमारे पास डाटा चार्ट में शो किया हुआ है तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो इसमें वॉलिटलिटी दिख रही है करेक्शन भी आ रही है ये बहुत ही अच्छा मौका है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म इसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकल कर आ रही है और जैसे जैसे आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते जाओगे आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे और मैक्सिमम रिटर्न्स आर एट थ्री जीयर्स तो ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है अब हम इसका वॉल्यूम का डाटा देखेंगे तो कल के दिन क्वांटिटी ट्रेडेड वाज सेवन लैक एंड द डिलीवरी इज टू लैक तो नियरली ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवेंटी सिक्स परसेंट की डिलीवरी उठाई जा रही है वन वीक का एवरेज डाटा देखें तो थर्टी सेवन पॉइंट फिफ्टी थ्री परसेंट की डिलीवरी उठाई जा रही है वन मंथ का एवरेज डाटा देखें तो थर्टी टू पॉइंट फोर्टी नाइन परसेंट की डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही है बहुत ही पॉजिटिव डाटा निकल कर आ रहा है और इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अकमेशन हो रही है इन द एंड हम देखेंगे इसकी थ्री जीअर सी ए जी आर ग्रोथ किस तरह की रह रही है आप देख सकते हो रेवेन्यू की ग्रोथ भी इसकी पॉजिटिव निकल कर आ रही है नेट प्रॉफिट इस टेन पॉइंट नाइन परसेंट के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसकी थ्री जीअर सी ए जी आर ग्रोथ है सिक्सटी पॉइंट नाइन परसेंट तो आप देख सकते हो इसके जो फाइनेंशियल हैं दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दे आर क्वाइट पॉजिटिव और इस कंपनी का जो प्राइस पैटर्न है वो भी अच्छा निकल कर आ रहा है बढ़िया इसने रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं और यदि आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी अच्छा निकल कर आ रहा है जो एफ आई आईजेंड दे आर इंप्रूविंग देस स्टेक इन दिस कंपनी तो बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स इस स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं तो वन ईयर का हमने आपको टारगेट बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप इस स्टॉक में पोजीशन ज़रूर बना सकते हो और थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी को बाई करके बाई ऑन डिप्स करें लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है क्योंकि जैसे आपको पता है हमारे देश में मानसून भी अच्छे रहने के चांसेज़ हैं और एग्री एग्री जो सीड्स हैं उसकी भी डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है और इस कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है इसलिए इस कंपनी की जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले दो तीन साल में इसका जो विटा है वो भी ग्रो करेगा और इस कंपनी का जो पैट है दैट विल आल्सो शो, शो ए गुड ग्रोथ इन द फ्यूचर तो एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं आपने हमारे को टाइम दिया हमारी वीडियो को सुना आप हमारे साथ जुड़िएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों आगे भी हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ पेश करते रहेंगे आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया जो है वो देते रहेंगे थैंक्स अगेन वी विल मीट यू विद द न्यू वीडियो न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया